मध्य प्रदेश में ट्रेन ब्लास्ट में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सैयद मीर हुसैन का कनेक्शन यूपी के कन्नौज से जुड़ा है और मीर हुसैन कन्नौज के गुड़सहायगंज कोतवाली इलाके के इंदिरा नगर का रहने वाला है। संदिग्ध आतंकी सैयद मीर हुसैन के पिता हसन एहसान पेशे से स्कूल संचालक हैं और वो पिछले 25 सालों से स्टार पब्लिक स्कूल का संचालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीर ने 8वीं तक की पढ़ाई उनके स्कूल में ही की और इसके बाद ही पढ़ाई उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज से की और मीर के पिता के मुताबिक उन्हें पता नहीं कि कैसे वो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो गया। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। हम कन्नौज जिले के गुड़सागंज इलाके में बैठे हैं और हमारे साथ जो मध्य प्रदेश में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं इनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनके पिता मेरे साथ बैठे हुए हैं, एहसान साहब बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनका जो बेटा जिस तरह से नाम आ रहा है आतंकी गतिविधियों में नाम आया तब से वो भी डिप्रेशन में है, क्या इतिहास रहा है, कैसे कहाँ से क्या हुआ है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एहसान साहब, क्या रहा आपका बेटा, कभी आपको मालूम हुआ कि इस तरह गतिविधियों में शामिल हो रहा है? साहब, इस तरह की बात मुझे अगर पहले से कुछ ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं इन्फॉर्म करता एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरा तो ये मानना है कुछ भी यहाँ रहे 2.5-3 महीने से मैंने पाला उन्हें, माँ से सेपरेशन हो गया था और उसके बाद वो मैंने पूरी तरह से परवरिश की है, उनकी अच्छी तालीम की है, हमेशा अच्छी बात बताई है। यहाँ का लोग गवाह है, स्कूल चलाता हूँ मैं, यही स्कूल में रहता भी हूँ और बच्चे पढ़ते हैं। कितने साल से स्कूल चला रहे हैं? 25वां साल मेरा ख़त्म होने वाला है। तो तालीम तो आपके यहाँ स्कूल बहुत अच्छी तालीम साहब, यहाँ पे तो यानी सारे बच्चों के साथ हमेशा अच्छी बात की गई, कभी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात या कम्युनल बात कभी इस तरह की बात नहीं आई। हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स ही पढ़ाते हैं, मुस्लिम्स ही पढ़ाते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यही तालीम भी दिया उन्हें हमेशा से सही थे साहब, जब तक इंटर किया है इन्होंने यहाँ से, इंटर भी मैंने घर में रख के कराया, ट्यूशन्स के जरिए पढ़ाया, अपनी निगरानी में रखा, हमेशा रोका किसी भी बुरी बात से, ज़्यादा सख्ती से भी रोका है और हमेशा अच्छी बात के लिए उनको इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया। रोप लगा है तो साहब उसकी कोई वजह तो ज़रूर होगी, तो बात बिल्कुल समझ में आ रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। भाई आप मुरादाबाद पर कह के गए हमारे पास जा रहे हैं और आप एक महीने बाद MP से खबर आ रही है वहाँ से मिले, तो कुछ है तो ज़रूर। और आरोप लगा है, आरोप साबित होता है, कानून अपना काम करेगा, हमें उसमें पूरी तरह सपोर्ट करना है और हमें सब्र करना है। औलाद है, ये बात अपनी जगह। बेटा है आपका? जी बेटा है, वो तो कुदरती तौर पर, लेकिन जो काम किया है उसने वो तो दुश्मन है, दुश्मन भी ऐसा नहीं करेंगे। अपने बाप को कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने ये काम करके, पूरी दुनिया में खबरें फैल रही हैं साहब कि इनके बेटे ने ये किया है, और बेवकूफ़ है साहब, ये घर में रहा है कुछ नहीं, दूसरों की बातें बहुत पसंद आती हैं इसे, इम्प्रेस हो जाना हमारी बात को, हमने ये सब बातें बताएंगी बेटा, कभी ऐसे धोखे में कहीं चले भी मत जाना, पता नहीं कि कौन लोग तुम्हें गुपक लें और तुम्हें किस तरह से इन्वॉल्व कर लें। तो आप कानून का पूरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह 100% इवन मोर देन दैट, सवाल ही नहीं पैदा होता, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी को लगा दिया और आज उसने ये दिन दिखा दिया साहब, मेरे दिन में क्या गुंजाइश हो सकती है जहां तक ये इस बात का ताल्लुक है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कि एक पिता के दिल में बहुत मलाल है क्योंकि उसका बेटा है, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि जो देश का नहीं वो मेरा नहीं, कानून अपना काम करेगा और कानून भी पूरा पूरी तरह से सहयोग करूंगा। नित्य मिश्रा, इंडिया 24/7, कन्नौज।